गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए अभी बात करेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं सबको कि आज आपके कोर्स की जो है वो लास्ट क्लास है। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं अभी करवा देता हूं, उसके बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो। बाकी सारी वीडियो है जो वो अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पर, उसको देख लेना। और मे बी एग्ज़ाम भी आपके शायद नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना भी है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एस्टिमेशन, ठीक है। यानी कि आपको निर्धारण करना है, कहना है मतलब अनुमान लगाना है, या फिर बात करें अगर हमें नंबर पता करना हो एग्जैक्ट कि हमारे फील्ड के अंदर कितनी पॉपुलेशन में जो है वो पेस्ट है, और तभी हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं या उसी अकॉर्डिंग कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो वो काम में लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें अनुमान कैसे लगाएं, या कौन कौन से वो मेथड है जिनके थ्रू हम जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, तो ठीक है आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन, यानी कि आपको निर्धारण करना है इंसेक्ट की पॉपुलेशन का, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन स्टडीज आर हेल्पफुल, सबसे पहले तो कि ये किस किस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आर हेल्पफुल इन पिन पॉइंट करना, ठीक है, किसी चीज़ को डिफेक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट द न्यूमेरिकल चेंज इन द नेचुरल पॉपुलेशन, यानी कि इससे क्या होगा, हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या है इंसेक्ट के नंबर में चेंज करने में, उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती है उसमें मदद करते हैं। एंड आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग दी फंक्शंस ऑफ द लाइफ सिस्टम ऑफ द पेस्ट स्पीसीज, इसके साथ साथ किसी भी इंसेक्ट जो है उसके लाइफ में, उसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन विल बी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव इन व्यू द एस्टिमेशन ऑफ द तीन टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा एक हमने पढ़ा था, क्लास पढ़ी थी सर्वे एंड सर्विलेंस की, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भाई देख लेना बार बार, है ना, क्योंकि उससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। थ्री टाइप है एस्टिमेशन के मेनली अगर बात करें तो, उनमें से फर्स्ट है एब्सोल्यूट, ठीक है, यानी कि वास्तविक जिसको बोलें, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष एस्टिमेट, एंड पॉपुलेशन इंडिसेस यानी कि सूचकांक। इंडिसेस का मतलब क्या होता है, सूचकांक, यानी कि इनमें से क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट पेस्ट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, पेस्ट को काउंट नहीं करके पेस्ट के द्वारा जो मार्किंग्स छोड़ी जाती है उनको काउंट करते हैं। चलो ये बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एस्टिमेट की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एस्टिमेट में क्या होगा, किसी भी चीज़ की अगर हमें एग्जैक्ट जो अगर पता करना हो नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो द टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया के अंदर इंसेक्ट की जो टोटल नंबर होंगे, ठीक है, वो एकड़ हो सकता है या पर हेक्टेयर हो सकता है, इज द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, वो क्या कहलाएगी, उसकी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कहलाएगी। द नंबर पर यूनिट एरिया ऑफ द हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास, ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, या वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। पर प्लांट, अब वो पर प्लांट हो सकता है, पर शूट हो सकता है प्लांट के, या फिर पर लीफ हो सकता है, ठीक है। इंडिकेट्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि क्या है, घनत्व को दिखाता है, उस पॉपुलेशन के घनत्व को दिखाता है कितनी मात्रा में वो है, ठीक है। द एस्टिमेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी आर यूजफुल, ये किस में काम आते हैं, टू नो एंड एनालाइसिस द की मोर्टिलिटी फैक्टर। अब मोर्टिलिटी फैक्टर, मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मृत्यु दर, ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या होगा, अगर हम ये देखेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से वो की फैक्टर हैं जिनसे क्या है मोर्टिलिटी या मृत्यु दर बढ़ती है, यानी इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, इन सब का पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फिर अब बात करें, ये नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनसे हम क्या है जो है एब्सोल्यूट एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेट मेथड की। अब क्वाड्रेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेट अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं स्क्वायर को, है ना, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें करता क्या, जनरली मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। अब एक बहुत बड़े, अगर लार्ज एरिया की बात करें, बहुत बड़े लार्ज एरिया में हमें पेस्ट को काउंट करना है, तो ये तो है नहीं कि आप पर प्लांट या उस जगह पे जाके आप काउंट कर सकते हो पेस्ट को, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा कोई फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो
यहाँ पे है हर जगह, ठीक है, मतलब सिमिलर है, जिनकी मात्रा जो है लगभग सभी जगह समान रूप से जो है फैली हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे जो इलाका है इसके अंदर कुछ जगह जो है वहाँ वो चूज़ कर लेते हैं स्क्वायर के रूप में। जैसे ये जगह अगर बात करें कि मैंने ये जगह चूज कर ली, ठीक है, एक मिनट भाई, ठीक है, ये जगह मैंने चूज कर ली। अब इससे क्या होगा, इसके बाद अब ये जगह चूज करने के बाद ये जो पर्टिकुलर स्पेस जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर आने वाली जो भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पेस्ट अगर बात करें इसके अंदर आपको मिलेंगे, वो क्या है, उसको हम पूरे फील्ड के साथ क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूरे हेक्टेयर का निकालना है, ठीक है, पूरे हेक्टेयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे हेक्टेयर के अंदर जितने पेस्ट हैं उनको तो गिन नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो फील्ड है इसमें से कुछ जगह पे क्या है, हम स्क्वायर्स बना लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, इस प्रकार से हम क्या है कुछ स्क्वायर्स बना लेते हैं, क्वाड्रेट्स बना लेते हैं, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन होगी उसको काउंट कर लेते हैं। फिर इसको जो ये पूरा, अब मान लीजिए ये आपका जो है वो 10 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, 10 मीटर का, अब ये पूरा हेक्टेयर का निकालना है, तो हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो उसको कैलकुलेट करके क्या है हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए इसके अंदर लिखा हो गया सेम चीज़ है, स्मॉल एरिया और क्वाड्रेट्स, यानी कि स्मॉल एरिया या फिर जो क्वाड्रेट्स जो है, ठीक है, विल बी चूजन चूज किए जाते हैं रेंडमली फ्रॉम ए लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिए से उनको क्या है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, लार्ज एरिए से क्या है उसको चूज किया जाता है, ठीक है, विच कंटेन्स द पॉपुलेशन, जिसके अंदर क्या है पॉपुलेशन मौजूद रहती है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेट, यानी कि जो एरिया है उस क्वाड्रेट का रिलेटिव टू द होल एरिया, ठीक है, इज एस्टिमेट, यानी कि ये जो है ये रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए जो पूरा आप जो एरिया है उससे, ऐसा नहीं हो कि आप जो क्वाड्रेट ले रहे हो वहाँ पे तो पेस्ट है ही नहीं और बाकी जगह कुछ ऐसी है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पेस्ट है, तो वो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या है, यानी कि उससे सापेक्ष होना चाहिए, टू होल एरिया इज एस्टिमेटेड एंड ऑल्सो पॉपुलेशन इन द क्वाड्रेट्स इज नॉन एग्जैक्टली, और इसके साथ साथ जो क्वाड्रेट हमने बनाया है इसके अंदर कितने पेस्ट हैं इनकी संख्या जो है हम अच्छी तरीके से गिन लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। फ्रॉम ए क्वाड्रेट द इंसेक्ट कैन बी काउंटेड, यानी कि इसको काउंट किया जाता है और कलेक्टेड डायरेक्टली उसको कलेक्ट कर सकते हैं। देयर नंबर कैन बी कोरिलेट, यानी कि उसको क्या है कोरिलेट करके देखा जाता है डायरेक्टली विद द फील्ड पॉपुलेशन, पूरे फील्ड की पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। फिर सेकेंड में बात करूँ तो यह लाइन ट्रांजेक्ट मेथड। अब लाइन ट्रांजेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, तो यहाँ से कोई पर्सन, ठीक है, ऐसा होता है कि पर्सन, ठीक है, जैसा भी होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और ये एक सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में ऐसे चलेगा, ठीक है, फिर वापस आते टाइम ऐसे आएगा, यानी कि फील्ड के अंदर कुछ जगह वो अपने आप बना लेगा और उसमें क्या है एक सीधी स्ट्रेट लाइन में वो चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जब जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स स्पीड के अंदर जाता है, ऐसा नहीं है कभी तो भाग रहा है कभी रुक रहा है, तो इसके टच में इसके सामने जितने भी पेस्ट आएंगे, जितने भी पेस्ट इसको दिखाई देंगे या इसके टच में आएंगे उसको ये काउंट कर लेता है, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग हम जो ये पूरा एरिया है इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए मेनली ये यूज लिया जाता है लोकस्ट के लिए, क्योंकि माइन्यूट इंसेक्ट के लिए तो कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि माइन्यूट इंसेक्ट का तो पता भी नहीं चलता कितने इंसेक्ट टच में है, तो लोकस्ट जो होती है टीडी, इसको आसानी से हम पहचान भी सकते हैं और ये दिख भी जाती है। देखिए इन दिस मेथड ए पर्सन विल वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, एक फिक्स स्पीड पे, ठीक है, थ्रू ए हैबिटेट, यानी कि वो जो आवास है उसका, उसमें द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एनकाउंटर्ड, यानी कि उसके टच में जो आते हैं संपर्क में, कैन बी काउंटर्ड, उनको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है द डेटा बेस्ड ऑन सच एनकाउंटर्स कैन बी यूज इन एस्टिमेटिंग द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, इनको यूज किया जाता है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन को यूज करने के लिए, मेनली मैंने आपको बताया था लोकस्ट एंड ग्रास होपर्स, यानी कि जो बड़े लार्ज साइज के जो इंसेक्ट होते हैं उनको, द नंबर ऑफ एनकाउंटर्स इन इन्फ्लुएंस्ड बाई द स्पीड ऑफ पर्सन, पर्सन की स्पीड के आधार पर ये क्या है कम ज़्यादा होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, कहने का मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो कम काउंट होंगे, अगर कम होगी तो ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है कैप्चर मार्किंग रिलीज एंड रिकैप्चर, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे, कैप्चर का मतलब पहले इंसेक्ट को पकड़ेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग कर देंगे,
फिर उसको रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे वापस वातावरण में, फिर रिकैप्चर उसको वापस से पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, सीधा से मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें पता करना हो, ठीक है, इस टेक्निक से पता करना हो कि एक फिक्स एरिया के अंदर कितनी मात्रा में इंसेक्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, नए कितने आ रहे हैं उसमें और पुराने जो कितनी संख्या में मर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं मेनली, है ना, उनको उड़ने वाले, तो इनको कलेक्ट करेंगे, फिर इनके विंग्स पे या कहीं भी बॉडी पे मार्किंग लगा देंगे, मार्किंग लगा के इनको छोड़ देंगे बाकी जो है खुले वातावरण में। फिर इनको जब वापस हम पकड़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि हमने जो रिलीज किए कितने संख्या में, अब उनमें से कितने मिले हैं प्लस नए कितने मिले हैं, है ना। तो इससे पता चल जाता है कि मृत्यु दर क्या है और नए कितने उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, समझ गए, बस यही चीज़ है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट कैन नॉट बी असेस्ड बाई एनी ऑफ द मेथड डिस्क्राइब अर्लियर, यानी कि अभी जो हमने ऊपर बात की है उनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिनमें हम फ्लाइंग इंसेक्ट के नंबर काउंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, उड़ते रहते हैं। द कैप्चर रिकैप्चर मेथड कैन बी यूज, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द लॉसेस और गेन इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के आधार पे हम क्या निर्धारित कर सकते हैं कि एक एरिया जो है उसके अंदर कितना लॉस हुआ है और कितने जो है नए आए हैं, यानी कितने का लॉस हुआ और कितने गेन हुए हैं, नए पेस्ट पॉपुलेशन जो है। फिर है, फॉर द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक इन पॉपुलेशन एस्टिमेट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि इनको हमें जो है शामिल करना चाहिए। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, द मार्किंग ऑफ इंडिविजुअल्स शुड नॉट लीड टू चेंज इन देयर बिहेवियर, यानी कि हम जो मार्किंग कर रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाए। कहने का मतलब, अब हम मार्किंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ से मार्किंग की है जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो गया या वो इरिटेट होने लग गया, तो वो क्या होगा, या तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो फिर क्या है, एक अलग ही डायरेक्शन में, यानी कि उसकी जो नेचुरलिटी है वो हमें ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। कहने का मतलब यही ध्यान रखना है। अब मार्किंग करने का मतलब ये नहीं कि आपके उसके आप उसके अंदर क्या है पिन ही लगा दो, इंसेक्ट के अंदर पिन चुभा दो मार्किंग, तो उससे क्या होगा, वो बॉडी जो है उसकी पूरी इम्बेलेंस हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। और लॉन्गेविटी, यानी कि उसकी उम्र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमने मार्किंग कर दी उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसी मार्किंग कर दी हो जल्दी जल्दी मर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड मार्क्स, जो मार्किंग की है, डू नॉट गेट लॉस्ट इजीली, और वो है जो आसानी से क्या है मिटनी नहीं चाहिए। मार्किंग जो की है, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट दो एक बार पानी में नहाए और मार्किंग गायब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहाते हैं इंसेक्ट, नहाते थोड़ी है, नहा लेते होंगे कभी कभी। फिर देखिए, द मार्क्ड इंडिविजुअल्स, अब जो इंडिविजुअल्स को मार्क हमने किया है, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, जब इनको रिलीज किया जाता है, बिकम कम्प्लीटली मिक्सड अप विद द अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हमने मार्क किए हैं उनको, यानी कि ये जो मार्क्ड हैं इनको प्रॉपरली मिक्स करना है जो अनमार्क्ड हैं, ठीक है, इनके साथ, यानी कि इसको ऐसे स्थान पे छोड़ते हैं जहाँ पहले से ही अनमार्क्ड बहुत सारी पॉपुलेशन हो, ताकि अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर है, द पॉपुलेशन इज सैम्पल्ड रैंडमली विद रिस्पेक्ट टू इट्स मार्क स्टेटस, अब इनको क्या है सैंपल के आधार पे इनको कलेक्ट करते हैं रैंडमली, फिर उसमें सैंपल में देखते हैं कि हमने जो किया है वो कितने आए हैं और कितने नए आए हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर है रिलेटिव एस्टिमेट, वो था एब्सोल्यूट, अब है रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है ना, वो हम क्या करते हैं किसी ट्रैप वगैरह या उनके माध्यम से क्या है कलेक्ट करते हैं पहले उनको, फिर काउंट की जाती है। देखिए, इन दिस एस्टिमेट द पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन डिटर्मिनेट यूनिट विच अलाउ कंपैरिजन, जो कि कंपैरिजन को अलाउ करती है। और देखिए, द रिलेटिव एस्टिमेट आर ऑब्टेंड बाई, कैसे ऑब्टेंड करते हैं, बाई कैच पर यूनिट टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम के ऊपर हमने कितने इंसेक्ट को कैच किया है बाई यूजिंग वेरियस ट्रैप्स, बहुत सारे जो ट्रैप्स हैं उनके मदद से, तो ये इसको क्या है, इससे एस्टिमेट लगाया जाता है इनका। वेरियस टाइप ऑफ कलेक्शन नेट्स आर अवेलेबल फॉर यूज़ इन डिफरेंट हैबिटाट्स, यानी कि अलग अलग आवास में यूज़ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग नेट्स बने हुए हैं या फिर जाल बने हुए हैं। द इंसेक्ट फ्रॉम वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो सतह है या फिर जहाँ पे क्रॉप वगैरह ग्रो हो रही हो, है ना, जिन पे इंसेक्ट फीड करते हैं, कहने का मतलब, ओनली दोज इंडिविजुअल्स ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेशन एंड दोज दैट डू नॉट फॉल ऑफ और फ्लाई अवे ऑन अप्रोच ऑफ द कलेक्टर कैन बी कैच विद ए स्वीप नेट। सीधा सी बता देता हूँ मैं आपको क्या कहना है, इसकी लाइन को छोड़ो आप, ये कह रहा है सबसे बेस्ट है स्वीप नेट, ठीक है। अब स्वीप नेट क्या है,
देखा होगा आपने ना, एक मिनट मैं फिर बता देता हूँ आपको। इस प्रकार का एक क्या है, सर्कल होता है, इसके नीचे इस प्रकार का कोई भी जो है उसके ऊपर नीचे जाली लगी रहती है और इस प्रकार एक तरफ हैंडल होता है, ठीक है। तो इसको जब हम ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं ना वेजिटेशन के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, तो इससे क्या है बहुत सारे इंसेक्ट जो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इसके अंदर कितने हैं उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इससे हम उन्हीं पेस्ट को जो है काउंट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उड़ते ना हो, कहने का मतलब, या फिर इधर उधर ना हो, मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो। प्लस क्या है, अगर हम क्रॉप के अंदर इंटर हो रहे हों तो ऐसा नहीं हो कि हमें देख के वो फ्लाई होने लग जाए, ठीक है, या फिर प्लांट से नीचे गिर जाए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। तो वो जो इंसेक्ट है उनको प्रॉपर तरीके से हम इसमें क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ ना ओनली दोज इंडिविजुअल्स, केवल वो ही इंडिविजुअल्स ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेशन, जो या तो जो सतह पर रहते हैं प्लांट की, एंड दोज दैट डू नॉट फॉल ऑफ, जो गिरते नहीं हैं या फिर फ्लाई अवे, भागते नहीं हैं, ऑन द अप्रोच ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर जो अब यानी कि जो कलेक्ट करता है उसके आने से भागते नहीं हैं, उनको अच्छे से स्वीप नेट से कलेक्ट कर सकते हैं। वेरियस ट्रैप लाइक, इसके अलावा कुछ ट्रैप भी यूज़ किए जाते हैं, जो जैसे फ्लाइट एक्वाटिक ट्रैप हो गया, पिटफॉल ट्रैप हो गया। पिटफॉल ट्रैप क्या होता है, मान लीजिए सोइल है ना, तो इसमें गड्ढा खोद के यहाँ पे एक ट्रैप लगा दिया जाता है इस सतह के बराबर ही ज़मीन के नीचे, तो इसको बोलते हैं पिटफॉल। लाइट ट्रैप हो गया, कैन बी यूज्ड, इनको क्या है यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट इंसेक्ट एंड देयर ट्रैप्स। कैच कैन बी कोरिलेट विद द एक्चुअल पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग इन द फील्ड, इनके आधार पे हम क्या है अब इसको जो कलेक्ट करते हैं उसके आधार पे हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि पूरे फील्ड के अंदर कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में पेस्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंडिसेस, यानी कि सूचकांक। अब सूचकांक का मतलब क्या होता है, इसमें हम डायरेक्ट पेस्ट को नहीं कलेक्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसके द्वारा जो साइंस छोड़े गए हैं, यानी कि उसके नेचर ऑफ डैमेज जो होती है, उसके जो साइन होते हैं, कुछ जो है निशान या लक्षण वो छोड़ता है फील्ड के अंदर, उनको हम काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए लीफ माइनर की बात करें, अब लीफ माइनर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लीफ माइनर क्या करता है, ये लीफ के ऊपर मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई लीफ है, ये क्या करता है इस लीफ के ऊपर ऐसे माइंस बनाता है, ठीक है, इसके जगह जगह पे आपको लीफ के ऊपर माइंस बनी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये माइंस जो है इनको हम काउंट करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि लीफ माइनर की संख्या कितनी होगी। वही चीज़ है, देखिए इन दिस टाइप द बायो प्रोडक्ट्स, यानी कि उसके द्वारा इंसेक्ट के जो बायो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ पेस्ट सच एज क्या हो सकते हैं, एग्जूवी क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसेक्ट जब मोल्टिंग करता है ना, मोल्टिंग करता है, या फिर बात करें जो त्वचा उसकी चेंज होती है ना, मोल्टिंग है ना, तो मोल्टिंग में इंसेक्ट क्या करता है अपनी पुरानी क्यूटिकल जो होती है उसको हटा देता है, उसकी जगह पे नई क्यूटिकल बन जाती है, ठीक है। तो त्वचा निर्मोचन जिसको बोलते हैं ना, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है निर्मोचन, तो निर्मोचन के दौरान ये क्या करता है अपनी पुरानी जो क्यूटिकल होती है उसको तो गिरा देता है, उसके स्थान पर नई क्यूटिकल बन जाती है, तो वो पुरानी जो शेड ऑफ होगी है, गिरी हुई जो क्यूटिकल होगी उसको क्या बोलते हैं, एग्जूवी। एग्जूवी हम काउंट कर लेंगे, ये तो पड़ी रहती है, तो एग्जूवी से हमें पता चल जाएगा कि कितने इंसेक्ट हैं, क्योंकि हर इंसेक्ट की एक ही तो एग्जूवी होती है। फिर है नेस्ट्स, उसके द्वारा बनाए गए जो जाले या घोंसले हैं, फिर वेब्स, जाल जो बनाए गए हैं, फ्रेसेज यानी कि उसकी जो एक्सक्रीटा है ना, विष्ठा जिसको बोलते हैं, विष्ठा जो है उससे पता लगा लेंगे, और देयर इफेक्ट्स, और उसके द्वारा जो डैमेजिंग इफेक्ट है, डैमेज टू द होस्ट यानी कि होस्ट प्लांट को, परपोसी पौधे के ऊपर जो उसने साइन छोड़े हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लीफ माइनर में माइंस को काउंट करेंगे, या फिर कोई बोरर है तो उसमें डेड हर्ट काउंट करेंगे, है ना, इस प्रकार से। आर कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ द पेस्ट देमसेल्व्स, इनको कंसिडर्ड किया जाता है बजाय किसके, खुद पेस्ट के बजाय इनको कंसिडर्ड करते हैं, इससे पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन की मात्रा क्या है। ओके भी, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भी दोबारा जैसे भी हो। और एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की अगर बात करें, अभी आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बाकी है, तो प्रैक्टिकल का जो वर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो काम है उसमें मैं आपको बता दूं, आपको कॉलेज की तरफ से मैनुअल दिया जाएगा प्रिंटेड, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है आपके लिए ब्लैंक छोड़ी जाएगी जो आपको करनी है, या फिर उसमें कुछ कैलकुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है कोई डायग्राम हो,
वो चीज़ें आपको बनानी है। बाकी रिटर्न का जो काम होगा वो उसके अंदर पहले से हो रखा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रिटर्न में नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको जो है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जब तैयार हो जाएंगे उस टाइम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, तो आप कॉलेज से कलेक्ट कर लेना। बाकी पढ़ते रहिए अभी। ओके, धन्यवाद।